Yeah, start. Namaste and good afternoon to all. Today we have a great opportunity to listen to a young dynamic personality. Mr. Nitin Dumsia is a global business transformation coach and providing services to India, USA, Hong Kong, Thailand and Belgium. आज ये बताएंगे कि इस कोविड संकट के समय कैसे अपनी गाड़ी रूपी बिजनेस को कुशल पूर्वक चलाना है। नितिन जी, आज आप अपने को चलना ही नहीं बल्कि गाइड करेंगे कि हम सब कैसे फार्मूला वन की ट्रैक पर गाड़ी दौड़ाने में सक्सेस हो। लेट अस वेलकम नितिन जी डुमसिया, हु विल बी गाइड अस दैट हाउ कैन वी कम फ्रॉम दिस नेगेटिव एटमोस्फियर टू पॉजिटिव वर्ल्ड। There might be some opportunities are waiting for us after COVID-19. Welcome, Nitin ji. Please take the mic. Namaskar. Thank you very much, Nirmal ji and DJPC office. I hope everyone is safe in this lockdown time and I expect everybody is staying at home. ये जो एक क्राइसिस का समय अभी चल रहा है अपने देश के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए जो एक महामारी क्रिएट हुई है उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई है, बट हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि ये समय को ध्यान में रखते हुए ये जो हमें इतना काफ़ी समय जो हमें मिला है उसको हम अपने बिजनेस के लिए और पर्सनल लाइफ के लिए क्या अपने और ऑब्जेक्टिव सेट कर सके। सो कोरोना वायरस जिसने इतना पूरे विश्व में महामारी फैलाई है, बहुत सारे लोग से इम्पैक्ट हुए हैं। आने वाले दिनों में अभी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हाउ थिंग्स आर गोइंग टू कम बैक ऑन ट्रैक अगेन, बाय when it will be on track again, how global economy is going to be impacted. There are a lot of research, बहुत सारे research papers बन रहे, बहुत सारे संशोधन हो रहे, बहुत सारे expert तरफ पे आ रही है, बहुत सारा material, knowledge, training materials और वैसी चीजें market में हमारे mobile के माध्यम से, हमारे internet के माध्यम से हम तक पहुंच रही है। तो हमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स भाई बहन हैं जो चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और ये महामारी में से हमको जितना भी जल्दी निकलने के लिए कैसे हो सके उसके ऊपर तैयार कर रहे हैं। ये पूरी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमें ये भी देखना है कि हम अपने खुद के बिजनेस में क्या नया मॉडल आए, हम अपने खुद के बिजनेस में क्या नई अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करें, क्या सिचुएशन में चेंज आए जिसकी वजह से हम अपना बिजनेस तो सस्टेन कर जाए बट उसको एक नई सस्टेनेबल ग्रोथ की डेफिनेशन भी दे सके। उसको देखते हुए फॉर्मल लीडरशिप बियॉन्ड COVID-19 क्राइसिस करके एक मॉडल बनाया है एंड आई बिलीव दैट this model is going to be helpful for the industry, not only in our industry but industry as a whole, sabhi sectors ko, sabhi industries ko ye wale model bahut kuch helpful ban jayega. ye model kya hai agar usko hame dekhna hai to ye model mein hum log aaj baat karenge, aaj ke webinar mein strategy ki, uske baad hum baat karenge sales ki, uske baad hum baat karenge customers ki, क्या वेस्ट क्या चीज होती है उसके ऊपर बात कर सकते हैं, उसके बाद हम बात करके पीपल की, क्या डेवलपमेंट पीपल का होना चाहिए, क्या कर सकते हैं पीपल के लिए वो हम लोग बात करेंगे, और उसके सिवाय हम बात करेंगे ये मॉडल में ऑपरेशंस को वापस कैसे अपनी लाइन पे लाना है उसके बारे में, उसके सिवाय हम बात करेंगे डिजिटल प्रायोरिटीज की, कैश के ऊपर बात करेंगे कि हाउ इन द कमिंग टाइम कैश इज गोइंग टू बिकम किंग, एंड अल्टीमेटली पूरे मॉडल को वैसे दिखेंगे कि ये
ये अपने बिजनेस में कैसे काम आ सकता है। आई थिंक बहुत लोगों की वॉइस के ऊपर रिक्वेस्ट आ रही है, तो मेरा वीडियो में ऑफ कर देता हूँ। निर्मल जी आप भी वीडियो ऑफ कर दीजिए, तो थोड़ा इंटरनेट के बैंडविड्थ हमें मिल सके और उसके माध्यम से हम लोगों तक ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाए। तो जाते हैं सबसे पहले हम लोग स्ट्रेटेजी के ऊपर। स्ट्रेटेजी की बात करें तो ये जो समय है हमारे लिए बड़ा अच्छा समय है, जिसको मैं तो एक बड़ा अच्छा चांस मानूंगा कि अपने कंपनी की स्ट्रेटेजी को रीडिजाइन हम लोग कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस को वापस रीडिजाइन कर सकते हैं। मैंने अभी तक बहुत बहुत काम जेम एंड ज्वेलर इंडस्ट्री में और बाकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, सर्विस इंडस्ट्री में, इंडिया की सिचुएशन आज की तारीख तो हमारे जितने भी कंपनी एमएसएमई भी है, लार्ज कंपनीज भी है, तो ये कंपनीज स्ट्रेटेजी की बात करें तो देर आर ओनली 30-40% कंपनीज स्ट्रेटेजी है। और ये जो स्ट्रेटेजीज में उनके पास बहुत ही क्लियर कट स्ट्रेटेजी है कि अगले महीने का प्लान क्या है, अगले दिन का प्लान क्या है, अगले साल का प्लान क्या है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कंपनी के पर्पस, विजन, मिशन, वैल्यूज, 3 से 5 साल के स्ट्रेटेजी के ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, लुक फील एंड लिसन ऑफ कस्टमर्स, आपके कस्टमर एक्जेक्टली क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं आपके आपके पास से, वो आप समझने की ट्राई कीजिए। अच्छा, अगर हम अभी COVID-19 के समय को साइड में रख दे और अपनी इंडस्ट्री की बात करें, अपने सेक्टर की बात करें, तो भी कितने सारी कंपनीज ऐसी है जो विदाउट स्ट्रेटेजी चलती है। कोई तीन साल तक का प्लान नहीं, कोई अगले साल तक का प्लान नहीं, कोई अगले महीने का प्लान नहीं। जितना ऑर्डर आया, जितना हाथ पे काम है, जितना भी हमारे पास मटेरियल है, जितना भी हम लोग रफ डायमंड्स लेके आ गए, जितना भी हमारे पास हाथ में गोल्ड है, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपना काम चलाते हैं। वो कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी बना के हम लोग मार्केट में उसको रख देते हैं, वो जो रखा हुआ माल है वो कभी बिकेगा, कैसे बिकेगा, किस पास बिकेगा, उसकी कोई स्ट्रेटेजी होती नहीं। तो दोस्तों, ये बड़ा हमारे पास अच्छा चांस बना हुआ है अभी कि अपनी कंपनी के ओवरऑल पर्पस को हम लोग कैसे रिडिजाइन करें, उसको रिडिजाइन करके उसके ऊपर हम लोग क्या चीजें नक्की करें। चीजों में ऐसा हो सकता है कि आप स्पेसिफिक मार्केट नक्की कीजिए, आपको एक्सपोर्ट रहना है, आपको डोमेस्टिक में रहना है, आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स नक्की कीजिए, प्रोडक्ट्स की बहुत सारी रेंज है तो रेंज को नक्की कीजिए। उसके बाद कस्टमर को सुनिए, उसके पास एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है, उसको ध्यान रखते हुए आपकी स्ट्रेटेजी। कुछ ही वेरी क्रिटिकल फ्यू कस्टमर को फोकस करो और उसके साथ लॉन्ग टर्म सक्सेस का कुछ प्लान बनाओ। आई होप लॉट ऑफ people are you know sketching their plans and talking to their customers to serve them better, to give them good products and service, but ultimately we have to think and we have to see that who are only going to be profitable customers for at least next 2 years or 3 years or next 6 months of time. Us sab cheezon ko nakhi karne ke baad aapke yearly plan banaiye, 6 months plan banaiye, monthly plan banaiye aur usko daily work management ke sath link karne ki try kijiye. I understand there are a lot of uncertainties going in the market, in the sector, in the industry, but we cannot always live with that uncertainty. I also believe that ये समय हम लोग अपनी क्या strategy बनाएंगे वो बहुत दिक्कत वाला काम है, क्योंकि हमें पता नहीं कि कल क्या होने वाला है, 3 दिन के बाद क्या होने वाला है, 1 महीने के बाद क्या होने वाला है, 6 महीने के बाद क्या होने वाला है। But at least you scratch something and keep in your mind or convert into papers or convert into some computer spreadsheets or presentations or something, and the moment we open with a new market, with a new opportunity, that time you have to start exploring the strategies. Now kuch example strategies pe aapko dena chahunga ki world mein ye puri mahamari pandemic chal raha hai, jisme bahut sari aisi countries hai jisko bahut hi ganda yahan pe nuksan hua hai। इंडिया फिर भी कंपेरेटिव अच्छे स्टेट में है, बट अगर मैं बात करूँ इटली की, तो इटली में बहुत सारी कंपनीज है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वो मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी अलावा भी अपने सेक्टर की बात करें तो देर आर सो मेनी कंपनीज इनटू ज्वेलरी, नॉट मोर इनटू डायमंड्स, बट इफ यू सी देर आर गुड एंड वेरी वेरी एलिगेंट ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स आर देयर इन इटली। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन दैट इटली इज गोइंग
going very backward for next 3, 4, 5, 6, 7 years time. So if we really see the opportunity and if we start exploring our context to such markets, इटली है, फिर जापानीज कंपनी चाइना से बाहर आने की बात कर रहे हैं, कोरियन कंपनी चाइना से बाहर आने की बात कर रहे हैं, उनके साथ अपने कॉन्टेक्ट को एक्सप्लोर करके क्या स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, दैट वी कैन ऑलवेज सी। माय नेक्स्ट एस्पेक्ट फॉर दिस न्यू नॉर्मल लीडरशिप मॉडल इज समथिंग कॉल्ड सेल्स। सेल्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हर एक इंडस्ट्री का, हर एक सेक्टर का और स्पेशली हमारे सेक्टर का। उसमें बात करें तो सेल्स में हम अगर खुद कोई एक ब्रांड है तो हमारे ब्रांड को वापस रिपोजिशन करने के लिए वी हैव टू ऑलवेज सी एंड वी हैव टू अगेन थिंक अबाउट व्हाट लेवल ऑफ वैल्यू क्रिएशन वी आर डूइंग एंड वैल्यू एडिशन वी आर डूइंग टू द कस्टमर्स थ्रू अवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। यहाँ पे हमें ये हमेशा बात करनी है कि आपको जो है आज के समय में आपकी प्रोडक्ट लेके नहीं जाना है, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के माध्यम से आप कस्टमर को क्या हेल्प कर सकते हो, how we are going to help the customers, that you have to keep in mind. So if you can really help the customers by serving through your products and service, then it is going to create a big differentiator. I will give an example here how you can exactly pitch with the aspect something called help. Yahan pe hame sochna hai ki customer ki hal mein situation kya hai. To customer मेरे हिसाब से इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स ऑफ टाइम और यू नो सम टाइम कस्टमर सरफेस पे आने वाले नहीं है। नोबडी इज गोइंग टू बी देयर इन द मार्केट, नोबडी इज गोइंग टू कम एंड टेल यू दैट आई वांट टू बाय योर प्रोडक्ट्स इन दिस मच ऑफ क्वांटिटी। सो ऐसे सिचुएशन में यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन, उनके हिसाब से सोचो और उनको कुछ नया प्रॉमिस करो। फॉर एग्जाम्पल आप उनको ऐसा प्रॉमिस कर सकते हो कि यू कैन बाय नाउ and pay at Christmas time for your international customers. Other example, you can buy now for domestic customers and pay during the Diwali time or during the Navratri time, whenever you feel convenient to pay. Something like that, if you can, you know, give some offers. Or for your retailers, where you are putting your products, you can tell them that you can buy 9 items and the 10th item I can give you as a help to your business to again come back on the track. Something like that, you have to always think about how you can promise the help to your customers. Apart from that, you also have to think about some platforms, and you have to also think how you can cut down the cost involved in the sales and marketing related activities. So companies who are dealing with polished diamonds and jewelries and color stones, they have to always see that what platform I should use in terms of, you know, usage of technology with the help of information technology, which can cut down my sales and marketing related cost. There are so many things happening in terms of artificial intelligence and digital marketing and social media presence. So through that, you should explore the opportunities to grab more customers. I have last line in this slide. It is saying that you have to flavor philanthropy in marketing to win good customers. So number one objective is to win only good customers. Don't pay attention or don't see or don't, you know, get more involved with the customers who are not good in payment, who are not good in relationship, who are not good in promoting your products or services. So you have to identify, suppose you have 100 customers or 30 customers today in your basket, then you have to see that who are all top 10 customers, who are all top 5 or top 30 customers who have given respect to our products and service for good relationship, good payment, you know, good receivables, payables, everything together. Focus only on those customers. And something I'm saying here is flavor philanthropy. You can see so many people are doing charitable activities these days. So you also have to think something creative with your products and service by which you can give some level of confidence that aap humse jo bhi kuch khareedenge, aap hamari products lenge, या हमारे साथ बिजनेस करेंगे तो पोर्शन हम लोग चैरिटेबल एक्टिविटीज में फिलैंथ्रोपी भी देने वाले हैं। दैट विल गिव सम यू नो न्यू इमेज ऑफ योर कंपनी, योर ब्रांड, योर प्रोडक्ट, योर सर्विस। आगे बात करें, मैंने कुछ बहुत कुछ कस्टमर्स के ऊपर बोल ही दिया है, बट कस्टमर्स की आगे हम लोग बात करें तो कस्टमर्स आर नॉट गोइंग टू बी ऑन स्ट्रीट। मेरा यहाँ पे अनुमान है कि नेक्स्ट 6 से 8 महीने के लिए कोई कस्टमर बाहर आने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोरोना की वजह से ये पूरा चीज बन रही है, बट ओवरऑल हमारा जो भी मार्केट है उसमें देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज लेवल ऑफ रिस्क
एंड स्कैरीनेस कि मैं अगर बाहर निकला, मैंने कुछ एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज की, मैंने कुछ हॉलीडे स्पेंड किया, मैं हनीमून के लिए बाहर गया, रेस्टोरेंट में खाने के लिए गया, मैंने कुछ ज्वेलरी के शॉप पे कुछ खरीदने गया, तो आई कैन ऑल्सो यू नो कंटामिनेट माई सेल्फ एंड कम विद दी कंटामिनेशन टू माई होम. सो एक्सपेक्टेशन क्या रहने वाले हैं आगे वाले दिनों में कि आप अपनी प्रोडक्ट को लेके कस्टमर तक कैसे कैसे पहुंच सकते हैं. कस्टमर अगर नहीं आ रहे तो आप अपने प्रोडक्ट को कैसे कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं. दैट यू हैव टू ऑलवेज थिंक एंड देन यू नो डिजाइन समथिंग विच कैन हेल्प योर कस्टमर्स. ये पूरे मामले में डिलीवरी का जो भी पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाने वाला है आने वाले दिनों में. यहाँ पे हम क्यों डिलीवरी की बात करते हैं, क्योंकि क्वालिटी के लिए तो सबको बहुत ही अच्छा समय मिल गया. मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा. तो आई एम वर्किंग विद अ मल्टीनेशनल ज्वेलरी कंपनी के जो बड़ी कंट्रीज में अपनी प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं. उनको ये जो 20-25 दिन का समय मिला, अभी तक का जो समय मिला, कल ही मैं उनके साथ मेरी बात चल रही, दे वर सेइंग दैट दे हैव क्रिएटेड 6,500 new designs and they are claiming that these new designs are going to be very very much creative and nobody has even showcase any this type of design. So this is going to be the future and we are going to take advantage of such designs. So in terms of designs, in terms of creation, in terms of quality and cost, everybody is going to play a lot. What and where we have to focus ourselves is delivery, because when you are saying that you want to go and serve to customers at that place, that time you also have to think ke how they are going to accept you. Aap log bologe ke main 3 hafte ke baad aapka orders deliver karunga, to nobody trust me and believe me, nobody will give you order. आप अगर 5 दिन के अंदर, आप अगर 6 दिन के अंदर, 1 हफ्ते से अंदर आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर्स के शोरूम तक नहीं पहुंचाते हो, या कस्टमर्स के उंगली तक नहीं पहुंचाते हो अगर रिंग है, तो कस्टमर अभी आने वाले दिनों में हैप्पी होने वाला नहीं है. मैंने बहुत सारी ऐसी कंपनी वर्ल्ड वाइड काम किया है जहां पे लोग क्लेम करते हैं कि वी आर फास्टर देन अमेजोन, वी आर फास्टर देन फ्लिपकार्ट इन इंडिया. आप हमें ऑर्डर दो, सुबह ऑर्डर दोगे तो शाम तक रिंग अपने उंगली में होगी. वैसे भी बहुत सारे लोग हैं. हम जब TJPC का सेमिनार कर रहे थे तो हमारे साथ जुड़े थे एमराल्ड ज्वेलरी, जो कोयम्बटूर स्थित साउथ इंडिया में ज्वेलरी की कंपनी है, बड़ी अच्छी मानी जाती है कंपनी. उनके जो चीफ है, जो ओनर है, मिस्टर नारायण, वो कुछ दिनों के पहले TJPC के साथ जुड़े थे वेबिनार में. उन्होंने बहुत अच्छी एक लाइन बोली जो सबके लिए बड़ी एप्लीकेबल बन जाएगी और मुझे भी बड़ी अच्छी लगी. वो बोले थे कि जो सबसे फिट होगा, जो सबसे फिटेस्ट होगा अपने इंडस्ट्री में, वही सर्वाइव करेगा. तो हमें भी समझना है कि हमें क्या एक्सरसाइज करने हैं, क्या कसरत करनी है, क्या दवाई लेनी है, कहाँ समय देना है, कहाँ मेडिटेट करना है, बिजनेस के लिए, पर्सनल के लिए, जिससे हम मेंटली और फिजिकली फिट हो, फास्ट से फास्ट डिलीवरी कर सके और अपने कस्टमर्स को हम लोग ऐसी डिमांड के अगेंस्ट सप्लाई कर सके जो हमारा एक डिफरेंशिएटर बनाए. यहाँ पे मैं मित्रों आपको ये भी रियलाइज कराना चाहूंगा कि ये जो एक महामारी पूरे दुनिया में फैली हुई है जिसका नाम कोरोना वायरस दिया है, किसी ने COVID-19 दिया है, जो चाइना से कहीं निकला है ऐसा बोल रहे हैं, कोई कई कौन सी कंट्री में पहुंचा है, कितने डेथ में पहुंचा है, कितनी डेथ हो गई है, कितने केस बन गए, बहुत सारी बातें चल रही है. बट एक जो बहुत सामने से निकल के आ रही है ये महामारी के बारे में, वो ये है कि ये जो रोग है, ये जो डिजीज बना हुआ है, उसके अंदर कोई भी टाइप की एंटीबायोटिक हमको काम नहीं आ रही. What does that mean where antibiotics do not work against coronavirus? That is very clear message that there is no shortcut even you can apply to your business. You have to have a very very strong and in-depth system, digital priorities, you know, strategies, and good people in place, and those all elements are only going to help you to make your business coming back to track. There is no antibiotics. Even corona के लिए कोई antibiotics नहीं है कि आपने दवाई पी ली तो आप अच्छे हो जाओगे. तो फिर अपने business के लिए भी कोई antibiotics नहीं है. आप कभी भी shortcuts अपना नहीं सकते. And that is very much clear. अगला अपना आप देखेंगे इन्हें न्यू नॉर्मल मॉडल में,
जो COVID-19 के बाद लीडरशिप बहुत ध्यान रखना है उसमें हमें बात करनी है, और इसको थोड़ा फंडामेंटली भी हमारा माइंडसेट को भी हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमें सबको ये तो बहुत क्लियर हो गया कि हमें कॉस्ट के ऊपर तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा. इफ यू आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन कॉस्ट देन इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज वी आर यू नो सीइंग दैट लास्ट दो महीने की अगर बात करें तो सैलरी देने के लिए भी पैसे जो निकालने हैं उसमें भी हमें बड़ी दिक्कत आ रही है. सम पीपल आर पेइंग 20%, some people are paying only 50%, some people are even not in a position to pay anything to their employees. Some people are saying that okay, हम देखते हैं चालू करेंगे तो भी हम full fledged नहीं चालू करेंगे, पहले 10-15 लोगों को ही बुलाएंगे, 50-60 लोगों को ही बुलाएंगे. So cost is going to play a very very crucial role in the near future. In that case, when you have to compete with so much of turbulent and you know vibrant market and their competitors, we also have to see that how we can you know focus more on cost optimization and cost reduction programs in our company. So here I suggest that we should not focus on direct cost, but we have to see that how many of the activities, kitne sare aise kaam hai, kitni sari aise activities hai jo kahin pe bhi value add nahi kar rahi aur meri ultimate cost mein rupantar kar rahi hai. Main aapko kuch example yahan pe dena chahunga ki hamari company mein bahut sare hum repairing रिलेटेड काम करते हैं, रिजेक्शन रिलेटेड काम करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करते हैं, जरूरत से ज्यादा मटेरियल रखते हैं, जरूरत से यू नो कम मटेरियल रख के हम अपने बाकी रिसोर्सेज जैसे मैनपावर है मशीन है उसको वेस्ट वेट कराते हैं. हम अपनी कंपनी में लॉसेस बहुत बड़े सारे क्रिएट करते हैं. आप देखोगे तो डायमंड में आपका यील्ड देख लो, ज्वेलरी में आपका गोल्ड लॉस देख लो, तो बड़े सारे लॉसेस हम लोग क्रिएट करते हैं. वो लॉस की कॉस्ट का एलिमेंट इनकर होता है, और वो जो कॉस्ट का एलिमेंट हमारा होता है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के साथ डायरेक्टली जुड़ा रहता है. यहाँ पे मैं क्या कहना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल अगर हम खाली बात करें इन्वेंटरी की, तो 2019 में 18 में 17 में वापस जाके देखेंगे तो इन्वेंटरी की एक कैरिंग कॉस्ट रहती थी. इन्वेंटरी आप जितनी रखोगे उसके ऊपर आपकी कंपनी को एक कॉस्ट लगती थी. वो कॉस्ट आपकी कंपनी में सपोज के 6-7% के पैसे आपने बैंक से लिए, जो आप इंटरेस्ट नॉर्मल इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट्स का होता है उसके ऊपर आपकी कॉस्ट लगती थी 10-12%. बाकी सब हैंडलिंग लगा दो, इंश्योरेंस लगा दो, सर्विस लगा दो, बैंक के चार्जेस लगा दो. तो ये 10-12% जो 2017 में थे, 18 में थे, 19 में थे, वो बढ़ के 20 में करीबन 20 हो गए. इसका मतलब बहुत ही क्लियर बाहर आ रहा है कि जितनी इन्वेंट्री रखो आपको कैरिंग कॉस्ट सालाना 19-20% के आसपास भुगतनी पड़ेगी. अभी यही चीज मैं खुद 2021 के फ्यूचर में देख रहा हूँ, तो ये जो 20% है वो कम से कम 30-35% तक बढ़ने की संख्या है. डेट मीन आप जितने भी इन्वेंट्री रखोगे, आप एग्जांपल के तौर पे देख लो कि गोल्ड जितना भी रखोगे ज्वेलरी बनाने के लिए, तो गोल्ड आपको कोई ऐसे तो फ्री में देगा नहीं. डायमंड के रॉ मटेरियल के लिए आपको कोई ऐसे तो फ्री में देगा नहीं. आपको कोई फिटिंग्स रखने हैं, फाइंडिंग्स रखने हैं, जो भी कुछ और सपोर्टिंग कंज्यूमेबल्स रखने हैं, इम्पोर्टेड टूल्स रखने हैं, तो वो सब चीजों में आपको इन्वेंटरी को प्रॉपरली मॉनिटर करके मैनेज करनी पड़ेगी. इसके लिए बड़े सारे टूल्स एंड टेक्निक्स भी है, जैसे थियोरी ऑफ कंस्ट्रेंट एक टूल है, जैसे वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग एक टूल है. वो सब टूल को एक्सप्लोर कीजिए. आपकी अगर इस चीजों में लिमिटेशन खुद की नॉलेज की, खुद की एक्सपर्टाइज की, तो आप बीजेपी को कॉन्टेक्ट कीजिए, आप हमारे जैसे लोगों को कॉन्टेक्ट किया, मेरे पास आइए, मैं आपको ये सब चीजें बड़ी अच्छे से आपके लोगों को ट्रेनिंग भी दूंगा, आपको समझाऊंगा कि ये सब चीजों में हम अपनी कॉस्ट को आसानी से कैसे 10-15-20. एक बड़ा सिंपल यहाँ पे माहौल बना हुआ है कि अगर हम लोग कॉस्ट के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले दिनों में हमारा जो सर्वाइवल है वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाने वाला है. दूसरे हम बात करेंगे पीपल के ऊपर. There are lot of discussion happening के क्या होगा employees का, employer कैसे अपने लोगों को treat करेंगे, कैसे करना चाहिए, how big groups are doing, how small MSME who are not even at a break even point, who are not in profitability, how they are going to manage their overall operations with people, कैसे होगा. मेरा यहाँ से जो सोचना है people के बारे में, लोगों के बारे में, that is very much clear that this COVID-19 has created an environment or that has created a situation where in future there is nothing going to be or something like CTC, a fixed salary structure. Everything is going to become like performance based pay. What does that mean? कि आप जितना काम करो वो
उसके ऊपर नहीं, बट जो आप काम करोगे उसकी मदद से कंपनी को जो फायदा हुआ है, उसकी मदद से कंपनी के कोई प्रोडक्ट बनने में जो भी हेल्प हुई है, उसकी मदद से कस्टमर को हम कस्टमर तक के तक पहुंचने के हम लिए हमें कुछ भी हेल्प मिली है, उसके ऊपर से आपका परफॉर्मेंस के ऊपर से आपका पेमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं अगर ये एक बात बता, तो हम लोग के पास एक डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सभी इंजीनियरिंग कंपनी, सभी फार्मास्यूटिकल कंपनी, सभी ज्वेलरी की कंपनी, सभी डायमंड की कंपनी के पास एक डिपार्टमेंट होता है पीडी डिपार्टमेंट। पीडी डिपार्टमेंट में लोग क्या करते हैं, स्केच करते हैं ज्वेलरी में, कंप्यूटर में कैड करते हैं, फिर 3D प्रिंटिंग में स्कैन बनाते हैं, उसके बाद मॉडल बनाते हैं, पीस बनाते हैं, कस्टमर तक लेके जाते हैं, कस्टमर उसको देखता है, उसके बाद सिलेक्शन आता है। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एंड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट विद 4-5 कंपनीज इन इंडिया एंड अब्रॉड, दैट जो भी ये पीडी डिपार्टमेंट लोग काम करने वाले हैं, भले आप वर्क फ्रॉम होम करो, आप उसको कंप्यूटर दे दो जिसमें ये कैड का सॉफ्टवेयर डाल के उसके घर ले जाने के लिए बोल दो, घर पे बैठ के भी वो काम कर सकता है, लेकिन उसके काम के दरमियान उसने जो भी कुछ सबमिशन किया है काम करने के बाद, उसके ऊपर से जितना भी कस्टमर का एक्सेप्टेंस आया है उसी के बेसिस के ऊपर उसको पेमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल पूरे दिन में पहले 40 डिजाइन बना के आपको कुछ भी कोई भी टाइप की क्वालिटी की डिजाइन दे दे रहा था, अभी वो खाली 10 ही डिजाइन बना रहा है, लेकिन उसमें से 4 डिजाइन सिलेक्ट हो रही है, तो 40 डिजाइन के अगेंस्ट आपको उसको 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 की सैलरी देनी पड़ती थी, जिसमें आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं था कि इसमें से कितना सिलेक्शन आएगा। वो बंदा जो अपने कोई भी टाइप के मतलब अच्छा बड़ा परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर वो सैलरी तो फिक्स ले ही जाता था, अभी एनवायरमेंट क्या चेंज आएगा कि आपने जो भी डिजाइन बनाई है उसका पर डिजाइन आपका एक कॉस्ट है 40,000 रुपया, 500 रुपया, 1,000 रुपया, आपकी एबिलिटी के हिसाब से आप नक्की कीजिए, बट वो सिलेक्शन आना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स वी आर ऑल्सो गोइंग टू फोर्स अवर पीपल दैट योर परफॉर्मेंस एंड योर क्रिएटिविटी एंड यू हैव टू पुट योर सोल व्हेन यू वर्क विद अस, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अस। इफ दे आर डूइंग गुड देन वी शुड ऑल्सो डिजाइन समथिंग कॉल्ड इंसेंटिव, इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग गुड देन वी हैव टू हैव अ सिस्टम विच कैन गेट रिड ऑफ सच नॉन परफॉर्मिंग पीपल और एसेट्स, दैट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। हमें और भी कुछ एनहांसमेंट के लिए, लर्निंग डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स डेवलप करने पड़ेंगे, ये सब लोगों का पर्सनल हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, वो सब चीज़ों के लिए भी बहुत काम करना पड़ेगा। हमारी इंडस्ट्री ये सब ही है, सबको पता, वी आर गुड इन डिजाइन, वी आर गुड इन प्रोडक्ट, वी आर ब्यूटीफुली क्राफ्टिंग अवर प्रोडक्ट, एंड यू नो इट इज ग्लिटरिंग व्हेन इट गोज टू समवनस हैंड और नेक और बॉडी, but we are good in you know managing our people, that understanding we have to develop and what best we can do for our people, that we have to see. Mere paas bahut sari badi badi multinational companies ke code hai, jahan pe mera sabse jo dil ke kareeb hai wo ye hai ki Toyota jaisi badi company jo saalon se 50 saal se car bana ke duniya ko de rahi hai, wo aaj ki tareekh mein bhi yahi bolti hai ki we don't make car, we make people, our people make car. So we have to also shift our mindset from other aspect from to the people aspect, and we have to see that how we can utilize them properly. Here also we can use some level of technology. के वो टेक्नोलॉजी हमें पीपल की प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए हेल्प करे, वो टेक्नोलॉजी हमें पीपल की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए हेल्प करे, क्वालिटी ऑफ आउटपुट को ट्रैक करने के लिए हेल्प करे। देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग with the help of information technology, so that also we should explore. Next point is resuming operations. So resuming operations mein bahut sare already guidelines government dwara bhi di gayi hai, aap apni factory khologe to aapko kaise chalana padega, aapko collectors ki approval leni padegi, uske liye aapko employee health check ke liye ye system honi chahiye, aapko sanitizing ke liye ye system honi chahiye, aapko unke food safety ke liye ye karna padega. But what I mean to say, whatever is required to take care of our people, that you must do with the help of the guidelines which are released through either home ministry or your local government. But apart from that also we have to see so many things like how we can use the optimum technology when we resume the operations.
फॉर एग्जाम्पल के अपने कंपनी में जितने भी डोर्स है, जितने भी विंडोज है, उसको बिना हाथ लगाए कैसे खुल सके, तो छोटे छोटे लो कॉस्ट ऑटोमेशन एक्सप्लोर कीजिए और उसकी मदद से हम लोग ये सब चीजों का बेनिफिट कैसे ले सकते हो उसके ऊपर की बात कीजिए। हमें जब हम लोग ऑपरेशंस रिज्यूम करेंगे तो बड़े अच्छे से रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा, एंड ये रिस्क असेसमेंट ऐसा होगा जो आपके सप्लायर्स, आपके कस्टमर्स, आपके लोग, आपके इन्वेस्टर्स, आपके ओनर्स, आपके डायरेक्टर्स, आपके हाउसकीपिंग पीपल और उसके साथ जुड़े हुए बाकी सब सर्विस प्रोवाइडर्स को भी ध्यान में रखते हुए आपको रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। आपको इसमें कुछ भी दिक्कत आती है तो प्लीज गेट टू आइदर जीजेपीसी और मी और सम एक्सपर्ट वी आर वी हु इज वेरी नियर टू योर प्लेस एंड देन कंसल्ट देम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन परफॉर्म द रिस्क असेसमेंट फॉर अवर कंपनी। This risk assessment is going to be very much helpful. My suggestion is that never open your operations or your factory without having a proper risk assessment and proper risk mitigation controls for your company. Apart from risk or operations की बात करें तो और एक मुद्दा जो अभी बहुत ही चर्चा में बना हुआ है, हम लोग भी अभी जो कनेक्शन में बैठे हुए हैं, Zoom के ऊपर मीटिंग कर रहे हैं, ये वेबिनार अरेंज कर रहे हैं, लाखों की संख्या में वेबिनार थ्रू आउट द वर्ल्ड हो रहे हैं, लोग बड़ा सारा नॉलेज अपना अपना एक्सप्लोर करे, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, सिस्टम की बात हो रही है, मैनेजमेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, एफर्ट्स की बात हो रही है, उसमें हम अपनी खुद की कंपनी के लिए क्या डिजिटल प्रायोरिटीज डेवलप करें, क्या चीज़ों का लिस्ट बनाए, वो सबसे बड़ी बात होगा। इसमें हमें देखना है हम अपनी कंपनी के जो भी फंक्शंस है वो कौन से वाले फंक्शंस में कौन सी टाइप की डिजिटल टेक्नोलॉजी हम लोग ला सकते हैं। फ्यूचर में यही होने वाला है कि यू बीइंग एन ओनर, यू बीइंग अ मैनेजिंग डायरेक्टर और यू नो जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी, यू आर नॉट सपोज टू रोम योर यू नो फ्लोर एंड यू नो बी बिहाइंड द पीपल। आप के पीपल के पीछे भाग नहीं सकते, आप ऑपरेशंस के पीपल के पीछे भाग नहीं सकते, क्वालिटी वाले के पीछे हमें भाग नहीं सकते। यू हैव टू डेवलप समथिंग which can give you performance data on your fingerprint. और जब आपको चाहिए कि कितना ऑर्डर है एक ही क्लिक से आपको कैसे मिल जाए, कितना रिजेक्शन है एक ही क्लिक से आपको कैसे मिल जाए। I am seeing that in India, not only in specific sector, but in India, 70% companies are still working without any digital technologies. They are only exploring some small ERPs. They are only exploring something like WhatsApp, Skype or some tools which they believe it is a real tool for them and they are doing you know good use of that. But believe me, these all things are very much you know generic in nature. Now we have to think beyond that. You go for you know all the compliances, how you can do through your computer or your internet facilities, how you can make your entire human resource department, account department, purchase department, all that non-manufacturing department and link them all with some sort of software or some system which can help you to you know make your decision making faster enough. Security wala kya aapko lagega ki mera internet, mera jo bhi information hai market mein, meri product related, meri website ke upar wo kitni secure hai, usme invest kijiye thoda bahut. Okay, health tracker, location tracker, analytics based predictions already 10 years old. यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा ये बड़ी बेसिक चीज है, लोगों ने इसको इस्तेमाल करके बड़ी बड़े प्लेटफॉर्म बना लिए। आप देखोगे तो ओला बन गया, उबर बन गया, फ्लिपकार्ट बन गया, अमेजोन बन गया। हमको ऐसा कुछ नहीं करना है क्योंकि ये लोग ने जो भी कुछ करना था कर लिया है, बट हमें ये सोचना है कि मेरा एज ए ओनर और एज ए चीफ ऑफ द कंपनी मेरा जहाँ जहाँ पे समय रहा है वो समय को मैं कितना अच्छे से यूटिलाइज कर पाऊँ। क्या बड़ा स्ट्रॉन्ग मानना है कि बीइंग एन ओनर I should only spend 15-20% time or maximum 1 or 2 hours time for my current operations, current business, current orders, current customers, and current market situations. Remaining 60-70% time or at least more than 50% time I should invest or spend in gaining new knowledge, learning about new technologies available for my industry, meeting new people, go see people across the globe how. Apart from India, people are working on these products and these systems. How they have developed their own software. मैं आपको बात करूंगा कि इंडिया के अंदर ही एक कंपनी है जिसने डायमंड को असॉर्टमेंट करने के लिए
डायमंड को सेविंग करने के लिए एक रॉबर्ट बनाया हुआ, आपको सुनके नवाज नहीं लगेगी। दूसरा एग्जांपल है कि एक कंपनी ऐसी है, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐसी है, जिन्होंने एक ऐसा रॉबर्ट बनाया है जो एमडी के बाजू में बैठा रहता है, और एमडी को कुछ भी इंफॉर्मेशन उसकी कंपनी की चाहिए रॉबर्ट। जैसे हम लोग अमेज़न ने जो भी बना के रखा हुआ है रॉबर्ट, एलेक्सा, एलेक्सा के जैसा रॉबर्ट बना के रखा है जो एमडी के बाजू में बैठा रहता है, और एमडी उसको सवाल हमेशा पूछता रहता है कि मुझे ई कस्टमर्स के ऑर्डर का डिटेल्स दो, और वो रॉबर्ट के अंदर से ही एक डिजिटल प्रोडक्ट प्रोजेक्टर निकलता है और स्क्रीन के ऊपर वो वहां पे इंफॉर्मेशन देखा गया, ये कस्टमर का इतना ऑर्डर आज की तारीख में हमारे हाथ में है। फिर वो पूछेगा कि कब मशीन में पूरी कंपनी में कौन से मशीन मेंटेनेंस में चल रहे बताओ, तो वो भी बताएगा। और ये मैं किसी और इंडस्ट्री की, किसी और दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ज्वेलरी की कंपनी में ऑलरेडी हो चुका इनोवेशन है। तो मेरा यहाँ पे कहना यही है सब लोगों को कि फ्यूचर में जो भी कुछ हमें चीजें डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करेगी, वैसी टेक्नोलॉजीज के ऊपर, वैसे सिस्टम्स के ऊपर, वैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप भले इन्वेस्ट ना करो, पर बाकी जो लॉकडाउन ग्रीन है उसके ऊपर नॉलेज एक्वायर करके उसके ऊपर सोचना चालू करो। बहुत सारी अपनी कंपनीज की प्रोसेस होगी जिसको हम डिजिटली किसी और लोकेशन से, घर से भी हम लोग काम करा सकते हैं, उसका पूरा डेटा क्लाउड पे ले जाके भी काम करा सकते हैं, रिमोट से भी काम करा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करा सकते हैं। तो वो सब चीज़ों को जितना भी बने उतना एक्सप्लोर करो, और डिजिटल प्रायोरिटीज ही एक फ्यूचर है, पैसा अपने दिमाग में फिट कर लो। अभी भी मैं देखता हूँ कि पूरे डायमंड ज्वेलरी सेक्टर में जितने भी लोग डिजिटल कन्वर्ट हुए हैं उसकी संख्या 40-45% ही है। That means कि more than 50% crowd is still doing their processes manually. Their decision makings are still on paper. मेरा ये स्लाइड में सबसे पहला ये भी एक सेंटेंस है कि जो कंपनी पेपर लेस होगी और प्लास्टिक फ्री होगी, जिस कंपनी के डिसीजन जो है वो डिजिटल टूल्स या माध्यम से आ रहे हैं, लोग मोबाइल से कनेक्टेड हो उसके ऊपर से डिसीजन ले रहे हैं, अभी आप अपनी कंपनी को सस्टेनेबल ग्रोथ की एक नई परिभाषा दे सकते। अपने जो नया हमने मॉडल बनाया है न्यू नॉर्मल का, जो COVID-19 के आने वाले दिनों के लिए लीडरशिप के लिए हमें हेल्प करेगा, वो मॉडल में हमने एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी रखा है जो हमारा लास्ट एस्पेक्ट है, आठवां पॉइंट है, जो है कैश इज किंग। क्यों हम लोग कैश इज किंग बोल रहे हैं, आप सबको मेरे से ज्यादा ये चीज के बारे में पता है, लोग पहले दिन से ही या फिर कोविड आने से पहले बहुत सालों से, मतलब 2-3 सालों से हम लोग इसके ऊपर कंटिन्यूस डिस्कशन कर रहे हैं कि अपना जो सेक्टर है, बहुत सारे बाकी भी सेक्टर है जैसे बैंकिंग है, वैसे सेक्टरों को इंडिया में बड़ा प्रेशर बहुत दिनों से भुगतना पड़ रहा है। तो हमारा सेक्टर को रेड जोन में रख दिया, नया कोई भी फिनेंशियल डिसीजन नहीं होने की शक्यता है, बहुत सारे फ्रॉड्स हो गए, और ये पूरे माहौल में ये कोविड भी आ गया, और हमें खर्चा भी करना है, लोगों की सैलरी भी करनी है, हमें इन्वेंटरी खरीदनी है। आप देखोगे तो गोल्ड का जो प्राइस है वो भी आसमान छू रहा है, और पता नहीं कैसे रफ टाइम के प्राइस हो गए, पता नहीं कैसे पॉलिश टाइम के प्राइस हो गए। बहुत सारी माइंस जो है उन्होंने अपनी बैंकरप्सी ऑलरेडी बोल दी है। अभी 2 दिन पहले की एक न्यूज थी कि एक बड़ी माइन ने नाकारी जो है बुक कर ली है, और बड़ी बड़ी डायमंड की माइनिंग कंपनीज भी अपना प्रोडक्शन को कट कर रही हैं। इसमें कैश की जब बात करोगे तो हम लोग बोलते हैं कि आपको कैश में 3 अलग अलग टाइप के सिनारियोज अपनी कंपनी के लिए बनाने पड़ेंगे, और वो सिनारियो में आपको हमेशा देखना पड़ेगा। With respect to cash, how you can create near term? Near term में मेरी definition है 3-4 महीना या 6 महीने से कम, और long term में मेरी definition है 2 साल। हम लोग अभी इस ऐसे stage पे बैठे हैं जहाँ पे हम लोग 5 साल की बात कभी कर नहीं सकते, क्योंकि हमें पता नहीं क्या क्या चीजें होने वाली हैं। Life has become very very uncertain at this stage of time. So we have to create 3 different situations and scenarios for our own company when we talk about immediate short term, near term and long term. I understand you all are businessmen, so you can read and capture my language here about immediate, short term, near term, and long term.
put your money, whatever you have in your hand, or how whatever you can, you know, still, you know, do some finance from the institutes, and keep in that three different baskets. कि आपको दो महीने फैक्ट्री चलाने के लिए क्या क्या नॉमिनल खर्चे लगेंगे जब भी ओपन होगा, तो सैलरी लगेगी, कुछ लेवल का मटेरियल लेना पड़ेगा, कुछ कंज्यूमेबल्स लेने पड़ेंगे, कुछ रेंट देना पड़ेगा. उसमें आप क्या फर्दर नेगोशिएशन कर सकते हो, आप देख लो कि एम्प्लॉय को बोल सकते हो कि हम 25% ही अभी दे पाएंगे, आपके दिवाली आते आते बाकी पैसे का अरेंजमेंट करेंगे. आप अपने कंज्यूमेबल वाले को बोल सकते हो कि आप कैसे भी करके अभी देखो कि हमें कुछ कम प्राइस में क्या भाव में माल दे सकते हो. आप किसी को रेंट दे रहे हो तो उसको बताओ कि ये पूरा ग्लोबल सिनेरियो ना है, तो हाउ यू कैन यू नो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रेंट, समथिंग दैट यू हैव टू डिस्कस विद पीपल. अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो हैव टू सी दैट वेयर योर करंट कैश इज blocked in terms of inventory or in terms of spilled over receivables, spilled over receivables ऐसे है जो पैसे आने थे बट अभी तक आए नहीं, फंस गए, तो उनको बोल के कैसे भी करके पैसे कैसे निकालो. eroded investment, आपने पैसा लगाया था real estate में, आपने पैसा लगाया था stock market में, उसमें से पैसा कैसे भी करके भले थोड़ा बहुत loss में जाके निकाल सकते हो तो निकालो. and then you also have to change your habits on spending. Spending in terms of you are doing some unnecessary, you know, spending for your business, for yourself, for your family. Then you have to see how you can change your habits. I don't want to go something in specific here because it is very much subjective in nature and I'm not expert on that. But this is my request and my suggestion. Take pause on that assets and its depreciation. अभी कोई कंपनी फोर व्हीलर लेने का सोच नहीं सकती है. अभी कोई भी कंपनी नया फ्लैट लेने का सोच नहीं सकती है, तो अभी इसमें से एक मत करो. अगर कुछ पाइपलाइन में है तो एक दो साल रुक जाओ, छह महीना रुक जाओ, सिचुएशन को थोड़ा बेटर होने दो, उसके बाद आप ये सब चीजें वापस हो सके. ये सब चीजें छोटी छोटी है बट इससे आपके आपके कैश की कॉन्फिडेंस में बहुत ही बदलाव आएगा, और कैश का कॉन्फिडेंस में आपको आपको जब बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कैश मैनेजमेंट में, तो ही आप आगे हमने जो भी बात की है स्ट्रेटेजी की, पीपल की, रिज्यूमिंग ऑपरेशंस की, उसमें प्रॉपर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. यू हैव टू इन्वेस्ट मोर इन हेल्थ इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटीज ऑफ योर पीपल रादर देन इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी. यू हैव टू लुक फॉर व्हाट लोकल टेक्नोलॉजी लो कॉस्ट ऑटोमेशन आई कैन डू इन सम स्मॉल और यू नो लिमिटेड बजट. एंड यू हैव टू इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड इंश्योरेंस. व्हाट आई एम सेइंग हियर, आपके पास अगर आपकी कंपनी में 10 सिक्योरिटी के लोग हैं तो आप उसमें दो और सिक्योरिटी के लोग ऐड करो. क्यों करना है, क्योंकि आपको आपके लोगों की सेफ्टी और उसके हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देना है, तो वो दो लोग एक्स्ट्रा होंगे तो वो ये सब चीजें इंश्योर करेंगे. अगर वो लोग नहीं करेंगे तो आपको करना पड़ेगा. वी आई नेवर एक्सपेक्ट दैट ओनर और यू नो बीइंग अ एंटरप्रेन्योर यू शुड डू इन द यू शुड फॉर दैट प्रोसेस. लुक फॉर लोकलाइजेशन. हमारे सेक्टर में और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऐसा कि टूल्स होते हैं, कंज्यूमेबल्स होते हैं, तो बाहर से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं. वैसे ही सेम टाइप के टूल्स हम यहाँ पे कैसे डेवलप कर सके, वैसे ही सेम टाइप का मटेरियल हम यहाँ पे कैसे डेवलप कर सके. कोई लेसर मशीन है, कोई पॉलिशिंग मशीन है, उसको यहाँ पे हम लोकली कैसे डेवलप कर सके उसको सोचो. एटलीस्ट नेक्स्ट 2 years यू शुड नेवर यू नो पुट योर मनी फॉर इम्पोर्टेड स्टफ. इम्प्रूव कैश ट्रांसफरेंस एंड इम्प्लीमेंट टाइटर कैश कंट्रोल. इन सिचुएशन में हमें कभी भी ऐसी सिचुएशन में कभी नहीं जाना है कि यहाँ पे कोई फ्रॉड हो गया, कोई अपनी कंपनी का एम्प्लॉय या किसी बंदे की वजह से अपने पैसे का बर्बाद हो गया, नुकसान हो गया. उसके लिए जो भी कुछ कंट्रोल एस्टैब्लिश करने पड़े खुद करो या कोई एक्सपर्ट को हायर करो और उसके थ्रू ये सब चीज को करो. हम अगर ओवरऑल लैंडस्केप देखें तो एक बड़ा अच्छा ये रिसर्च हुआ था जो मैकेंजी एंड कंपनी करके जो कंपनी है उन्होंने पब्लिश किया था अर्ली अप्रैल दिस ईयर आफ्टर दिस कोरोना स्टफ के बाद. तो उसमें उन्होंने बताया कि ये पूरा लैंडस्केप ऐसा होगा. जो एयरलाइंस की इंडस्ट्री है, ट्रैवल की इंडस्ट्री है, ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री है, बैंक है, वो लेफ्ट साइड पे बहुत भयंकर तरीके से उनको इम्पैक्ट आने की संकेत है, वो ऑलरेडी उनको आ गई है. उसमें आप धीरे धीरे आगे आओगे तो आप देख पाओगे कि अपैरल फैशन एंड लग्जरी गुड्स जहाँ पे डायमंड ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स आते हैं यहाँ पे वो भी बड़ी भयंकर से उसको इम्पैक्ट होने वाली है. और राइट साइड हम देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल्स है, हेल्थ केयर है, सप्लाईज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कस्टमर सर्विस है, मेडिकल टेक्नोलॉजी है, ये सब चीज़ों को इम्पैक्ट कम होने की संकेत है. तो इसको देखते हुए हम यहाँ पे यही अंदाजा लगा सकते हैं कि लेफ्ट साइड की जितनी भी कंपनीज है
ऑल कंपनीज आर समथिंग कॉल्ड सनसेट कंपनीज, मतलब वहां पे नियर फ्यूचर में एटलीस्ट नेक्स्ट टू इयर्स में खड़े होने की क्षमता बहुत ही स्लो है. और राइट साइड पे देखेंगे तो सनराइज कंपनीज है, मतलब वहां पे अपॉर्चुनिटी हमको ज्यादा मिलती है. कंपनीज व्हिच कैन यू नो गिव यू लॉट ऑफ न्यू कॉन्फिडेंस वेयर यू कैन स्टे बी इन द बिजनेस एंड परफॉर्म गुड बिजनेस. मैंने ये स्लाइड यहाँ पे इंटेंशनली ऐसे रखी है कि हम लोग अगर कोई भी एक स्पेसिफिक सेक्टर में है और वो सेक्टर अगर सनसेट कंपनीज की तौर पे जा रहा है तो वी ऑल्सो हैव टू थिंक समथिंग आउट ऑफ बॉक्स वेयर वी कैन यू नो लॉन्च अवर न्यू प्रोडक्ट और न्यू सर्विस और न्यू कंपनीज इन द रेंज ऑफ दिस सनराइज कंपनीज. सो हम पूरा डाइवर्सिफिकेशन भी कैसे कर सकते हैं प्रोडक्ट में से बाहर आके दूसरा भी कैसे सोच सकते हैं, दैट ऑल्सो इफ रिक्वायर्ड वी शुड डू. About 80% of people recover from this disease without needing special treatment. So is the possibility in business too. कहने का मतलब ये है कि 80% लोग यहाँ पे जो है कोई भी टाइप की दवाई तो ऐसे भी है नहीं, इसका वैक्सीन भी नहीं है और ये कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट लिए बिना यहाँ पे अच्छे हुए है, तो वैसा ही बिजनेस के लिए भी लागू पड़ता है. हम लोग भी कुछ केयर ले, कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करें, कुछ नया स्ट्रेटेजी बनाए, नए कस्टमर्स को पकड़े, नई जियोग्राफी को पकड़े, नया प्लेटफॉर्म क्रिएट करे, नया बिजनेस मॉडल बनाए, नया डिफरेंशिएटर अपने प्रोडक्ट के सर्विस के लिए बनाए, तो हम लोग भी इसके बाहर इमीडिएटली आ सकते हैं. तो हमें जो भी पूरा बनाया है वो बड़ा मतलब एक एंटरप्रेन्योर को हर कोने से बांधने के लिए उसको जहाँ ध्यान देना उसको सोच के बनाया है. आप देख सकते हैं स्ट्रेटेजी की बात की, सेल्स की बात की, कस्टमर्स की बात की, वेज की बात की. ओके, इसके साथ हमने यहाँ पे पीपल की बात की, रीजनिंग ऑपरेशंस की बात की, फिर हमने डिजिटल प्रायोरिटीज की बात की, कैश की बात की. तो ये सब चीजों को हमें कभी भी नजरअंदाज करना ही नहीं है. ये वाला जो पूरा मॉडल है वो हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया कि आने वाले दिनों में ये न्यू नॉर्मल वाला मॉडल हमको लीडरशिप के लिए हेल्प करने वाला है. उसको बनाने के लिए हमें बड़ा समय भी लगा, बट हमारा अभी तक का जो एक्सपीरियंस था हमने सोचा कि इंडस्ट्री को क्या यूजफुल है ये वाले महामारी के टाइम पे, तो हमने पूरा डिजाइन करके आपके सामने लाने की कोशिश की है. मुझे बड़ा भरोसा है कि आप लोगों को इसमें से नई इंसाइट मिली होगी और यही नई इंसाइट के साथ हम लोग आने वाले दिनों में क्या बेटर कर सकते हैं उसके ऊपर हमें सोचना है. ठीक है, तो ये वाला मॉडल हमने पूरा देख लिया. अभी हम चाहेंगे निर्मल जी, नितिन जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्वेश्चन आंसर के लिए सेशन ओपन कीजिए. हम चाहेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास, ये वेबिनार के लिए स्टार्ट होने से पहले भी हमारे पास ऑफलाइन भी बड़े सारे क्वेश्चंस आ गए थे, तो उनको भी हम लोग इसमें जोड़ देंगे. और हमारे पास जो भी कुछ बाकी समय है, मैं चाहूंगा कि हर एक पार्टिसिपेंट्स को अपने क्वेश्चन के ऊपर हम अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज की मदद से क्या हेल्प कर सके और उनका क्या कंफ्यूजन और उनको क्या गाइडेंस दे सके उसके बारे में हम अपना नया क्वेश्चन आंसर का सेशन ओपन करते हैं. ओके, हमारे यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन है इस अंदर कुछ लोगों ने अपने हैंड्स रेज किए हैं नितिन जी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आई एम अलाउइंग देम टू टॉक सो दे कैन रेज देयर क्वेश्चन.
एब्सोल्युटली प्लीज गो अहेड जी. मेरा वीडियो चालू नहीं हो रहा, उधर से चालू करना पड़ेगा वीडियो. खंडेलवाल जी सर ये आपको अपने यहाँ से ही करना होगा. मेरा वीडियो मैंने चल मेरे यहाँ से कर दिया, हो नहीं रहा आपके यहाँ से, वो लिखा हुआ रहा है. ओके ना ओके ओके तो मैं रामदास अग्रवाल जी हैं, उन्होंने अपना हैंड रेज किया है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना क्वेश्चन बोलें. रामदास जी म्यूट पे है, आप प्लीज अनम्यूट कर लें. अच्छा मीनवाइल कोई और एक क्वेश्चन ले सकते हैं. हाँ अभी रामदास जी आ गए. मिस्टर दीपक आप अपना क्वेश्चन रेज करें. हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है कि आपने जो ऑटोमेशन की बात की, तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में ऑटोमेशन कितना हद तक आप ला सकते हो? जैसे फाइलिंग है, पॉलिशिंग है, सेटिंग है, वो तो मैन्युअली करना पड़ता है, तो उसमें कुछ ऑटोमेशन का चांसेस है, वो अब मुझे जानना था. जरूर चांसेस है, हमने बहुत सारी कंपनीज में देखा है कि आपकी जो प्रोसेसेस है उसमें हम लोग ने एक्चुअली सालों से क्या किया है कि हम लोग जब डिज़ाइन करते हैं अपनी प्रोडक्ट को तभी ही हम लोग एक रख देते हैं, और ये टॉलरेंस जब रख देने के बाद कास्टिंग होने के बाद फाइलिंग स्टेज में पहुंचता है तो ऑलरेडी आपको 15-20-25 तक परसेंट का मटेरियल निकालना पड़ता है. सो आप जो ऑटोमेशन की बात करें उसमें हम ये चीज़ को आधा तो पहला विदाउट ऑटोमेशन ऐसा ही कर सकते हैं कि इस पे ही आपको क्या केयर लेनी पड़ेगी जिसमें आपकी टॉलरेंस का जो परसेंटेज है बड़ा थीन है, बड़ा छोटा है, तो वैक्सिंग में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जिसकी मदद से जब आप कास्टिंग के बाद आपको फाइलिंग करने के लिए पीस आएगा तो उसका बड़ा थीन लेयर आएगा. ये थोड़ी डिफिकल्ट भी चीज़ है क्योंकि कास्टिंग में हमें हमेशा पोरोसिटी और बाकी सब प्रॉब्लम्स आते हैं, बट एक ये चीज़ पे ध्यान कर सकते हैं. दूसरा मैं यहाँ पे ये भी जोड़ना चाहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल प्रोसेसेस वी हैव टू सी दैट हाउ अवर पीपल आर एफिशिएंट एंड हाउ वी आर एक्सप्लोरिंग टेक्नोलॉजीज फॉर मेजरमेंट ऑफ पीपल का परफॉर्मेंस. सो देर आर टेक्नोलॉजीज आई एम ऑलरेडी एक्सप्लोरिंग विद सो मेनी ज्वेलरी कंपनीज के जहाँ पे आपके लोग कितने समय फ्री बैठे हैं, आपके लोग कौन से टाइप के प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उसका पूरा एक वहाँ पे एक आईपैड लगा हुआ है या वहाँ पे कोई स्क्रीन लगी हुई है उसमें को सब अपनी जो बैग है उसको डायरेक्ट QR कोड से वो स्कैन करके उस पे ले लेता है. तो वहां से आप अपनी प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल जो साइकिल टाइम है फाइलिंग पॉलिशिंग और सेटिंग प्रोसेस का उसको रिड्यूस करने के लिए टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर कर सकते हैं. वी हैव नेक्स्ट मिस्टर पार्था सर थी सर का. हाय पार्था सरकार. Hi, how are you? We have discussed. Am I audible? Yeah, you are audible. I'm yes, yes. To you. I'm okay, happy. How are you? Here. Yes, I'm fine. Carry on. Fine, fine. My question is how steel industry is going to be affected or reformed post COVID-19? I think steel industry, according to me, first 6 months are going to be difficult because what I'm seeing as a फॉर आवर कंट्री एज वेल एज फॉर द स्टील इंडस्ट्री, पहले 6 महीने में बहुत सारे डेवलपमेंट ऐसे होंगे में चाइना को हम कितना रिप्लेस कर सकते हैं एज ए कंट्री एज ए स्टील प्रोड्यूसर, एंड देन द वी हैव टू ऑल्सो गिव रिस्पेक्ट टू डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म. सो इन फर्स्ट 6 months आई डोंट सी दैट डिमांड इज गोइंग टू स्पाइक फॉर अ वेरी यू नो वर्टिकली, बट आफ्टर दिवाली वी कैन सी द न्यू ऑर्डर्स कमिंग टू इंडस्ट्री लाइक स्टील and few other manufacturing in sectors where we can explore the opportunities to you know place few of these players. So January 2021 ke baad
Your future is very much bright, Mr. Partha. Next, we have Mr. Priyanshu Gupta. Yes, Mr. Gupta. Hello. Yes, मेरी एक कंपनी है श्री दक्ष डिजाइनर ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली बेस्ड है और अराउंड 250 कारीगर हमारे पास काम करते हैं. अभी हम लोग ऑटोमेशन में जा रहे हैं तो आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि कोई ऐसी कंपनी हो जो कस्टमाइज कर सके हमारे अकॉर्डिंगली कोई मशीन को. अभी तो मीनवाइल में कोई केरला की एक कंपनी है तो उससे हम लोग सीविंग रोबोट एक बनवा रहे हैं विद काउंटिंग मशीन. तो कोई एक ऐसी आप मशीन या कोई एक ऐसी कंपनी आप सजेस्ट कर सकें जो हमारे लिए एक पीस को कोई मशीनरी को डेवलप कर सके. कोई रिलायबल कंपनी हो जो ज्वेलरी के लिए या फिर कोई और दूसरी इंडस्ट्री के लिए भी वर्क कर रही हो प्लीज. हमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और पूरे ग्रुप को पूरे रीजन को और ये सेक्टर को लागू पड़े वैसा क्वेश्चन है. इसमें हमें तीन एरिया में देखना है कि एक हम अपने फिजिकल मशीन्स को कैसे टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर सके, दूसरा हम अपनी जो ओवरऑल सिस्टम्स है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की, परफॉर्मेंस मेजरमेंट की, ऑर्डर का स्टेटस. आप लोग कुछ ना कुछ तो ईआरपी यूज करी है, वी आर यूजिंग ईआरपी, ईआरपी सॉफ्टवेयर, कुछ ना कुछ यूआरपी यूजिंग करी और वो ईआरपी को आप और कितना डिसीजन मेकिंग उसमें फास्ट कर सकते हो. तीसरा जो है कि आप एक्सक्लूसिव जो नए कॉन्सेप्ट्स मार्केट में है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर का कोई कॉन्सेप्ट ला के आपके इंडस्ट्री में कैसे ला सकते हैं. हमारे पास चार कंपनी है जो मुंबई बेस्ड है और हमारे पास एक कंपनी है जो बेंगलोर बेस्ड है. ये सब टाइप के ऑटोमेशन में ऑलरेडी काम करी है. मैं मेरे खुद के बहुत सारे क्लाइंट्स के यहाँ पे इनको एक्सप्लोर कर रहा हूँ. ये आईटी रिलेटेड भी कंपनीज है और मैकेनिकल इंडस्ट्री के ऑटोमेशन की भी कंपनीज है. हम ये वेबिनार में आपके उनके नाम नहीं शेयर कर पाएंगे. आप मुझे या जीजेपीसी को प्लीज कांटेक्ट कीजिए. हम आपको कैसे कांटेक्ट किया जाए सर ये बताइए. आप नितिन जी से बात कीजिए या फिर मेरा नंबर अभी मैं शेयर करता हूँ, आप मेरे से बात कीजिए. मैं आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए, हम आपसे बात करेंगे. श्योर श्योर ओके ओके. नेक्स्ट वी हैव नेम इज नॉट देयर but BC number is coming so I am allowing him to talk. Please sir raise your question. You can unmute yourself and raise your question. Hello. Yes sir, ye aapne abhi jewelry ke bare mein bataya hai, kuch loose gemstones ke bare mein bhi aap thoda batayenge iske. जेम स्टोन के बारे में आप पूछ रहे हैं राइट? लूज जेम स्टोन्स के लिए. ब्लू जेम स्टोन्स बड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा बट जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ओवरऑल अपने सेक्टर को इसमें से बाहर लाने के लिए कौन से मतलब फंडामेंटल चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा उसके लिए हमने ये 7 to 8 पैरामीटर्स बनाए हैं. आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर से आप अपने बिजनेस के लिए क्या चीज निकाल पाते हो और उसको रिवाइव करने के लिए क्या उसमें से हेल्प ले सकते हो. वो आपको एक बार खुद ही सोचना पड़ेगा. आपके रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक करना है या आपके बिजनेस को समझना है या कुछ और इसमें झांक के देखना है तो हम उसको अलग से देख सकते हैं. बट अभी स्पेसिफिक टू योर यू नो प्रोडक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉमेंट हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म. Next is last question is from I name is not there but it is from somebody is connected through his phone and it's Galaxy on. I am allowing him to talk. Please unmute yourself and raise your question, sir. हेलो. यस यस ऑडिबल सर जी बताएं. हाँ यस सर. मेरा क्वेश्चन ये था सर कि अभी जो COVID-19 का असर सभी इंडस्ट्री पे हुआ है तो अभी कंपनी को रिज्यूम करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाने चाहिए, कैसे उसको बैकअप करना चाहिए. आपका बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग सवाल तो है बट बड़ा जनरिक और सब्जेक्टिव सवाल भी है.
इसको देखने के लिए हमें ये चार पांच का रिकमेंडेशन आपको हम ये देना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप अपनी कंपनी जब भी खोलोगे तो 100% कैपेसिटी के साथ मत खोलिएगा। आप चाहे तो उसको 50% कैपेसिटी या 25% कैपेसिटी से पहले एक हफ्ता दो हफ्ता चलाइए। आपके हाथ में जितने ऑर्डर है उसको सेटिस्फाई करके उसको क्लोज करने की पहले ट्राई कीजिए। उसके साथ साथ बाकी जो भी कुछ गाइडलाइन है लोगों के लिए और कंपनी के लिए उसको फॉलो कीजिए। पैसे का स्पेंडिंग जो है, पैसे का जो खर्चा है उसको कितना काट सकते हो आप देखिए, और अपने पॉलिसी की डिजाइन और उसका मतलब लुक एंड फील, उसका कॉस्ट कैसे कम हो सके उसके लिए आप खुद क्या क्रिएटिव सोच सकते हो और क्या डिफरेंशिएटर क्रिएट कर सकते हो उसके बारे में सोचिए। एंड लास्ट इज मिस्टर शीश शिवन, आई एम अलाउइंग यू टू टॉक, प्लीज रेज योर क्वेश्चन सर। हेलो, यस, हाँ सर नमस्कार। जैसा आपने बताया कि अगले 5-6 महीने बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है मैन पावर के हिसाब से, क्योंकि ऑर्डर्स और जैसे कस्टमर्स नहीं आने वाले हैं, तो उस केस में मैन पावर को हैंडल करने है। जबकि सेंटिमेंट्स हैं गवर्नमेंट की और पीएम और सीएम्स की रिपीटेड रिक्वेस्ट हैं कि उनको सेक नहीं किया जाए, तो उस सिनेरियो में कैसे हम लोग इसको हैंडल करें मैन पावर को लेके? दो तीन आपके सवाल भी बड़ा जरूरी सवाल है ये सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। उसको हमें जो टैकल करना है उसमें मेरे दो तीन रिकमेंडेशंस है। सबसे पहले तो आप किसी भी, क्योंकि बहुत हमारे ऊपर प्रेशर भी है सीएम से पीएम से, बहुत सारे नोटिफिकेशंस भी है कि हम किसी को सैक नहीं कर सकते, तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है किसी को सैक नहीं करना है। रही बात हुई उनको सैलरी भी देनी है, हम अपना काम नहीं कर रहे, हम अपना ऑर्डर्स पूरा नहीं कर रहे तो हमारे पास पैसे तो नहीं आ रहे, बट हमारे पास हाथ में जो पैसे उसमें से सैलरी देनी है। उसके लिए बहुत सारी कंपनीज के साथ हम मिलजुल के क्या हमने स्ट्रेटेजीज या पॉलिसीज बनाई है कि आप पहले ऐसा है तो 5 महीने का बाकी है तो उसमें से 25% अभी दे दो, अप्रैल का बाकी है तो 25-30% 50% दे दो जितना भी है, मई महीने में भी उतना प्रोविजन करके रख लो। उसके बाद अगर आपको ज्यादा दिक्कत आती है तो देन यू हैव टू आइडेंटिफाई फ्यू पीपल कि जिनको बोल सकोगे कि आपका परफॉर्मेंस अभी ठीक नहीं है, और उसके पहले भी आपको अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की सिस्टम पे बहुत काम करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कोई अच्छा काबिल बंदा आपके यहाँ से निकल जाए, अभी कोई भी कहीं से भी छोड़ के कहीं पे भी लगने की गुंजाइश है नहीं, सब जगह पे सेम ही माहौल रहने वाला है। तो स्थिति में सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट हाई टैलेंटेड बंदा है उसको कैसे यहाँ पे रिटेन करके रख, उसको कैसे हमें कॉन्फिडेंस देना है कि आपकी वजह से कंपनी है और कंपनी की वजह से आपको। थैंक यू, थैंक यू नितिन जी। हम एक आध क्वेश्चन और ले सकते हैं? यस यस, हम एक काम करते हैं, हमारे पास जो ऑफलाइन क्वेश्चंस आए थे निर्मल जी के पास वो ले लेते हैं, पहले क्वेश्चन लेके हम लोग फिर ये वेबिनार को एंड कर सकते हैं। और रिमेनिंग क्वेश्चन के लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ वापस एक बार, वहां पे लोग वापस आके हमको अपने नंबर से या ईमेल से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। राइट, एक हाउ सोशल डिस्टेंस प्रोटोकॉल फॉर अवर सेक्टर टू डेवलप। और अवर सेक्टर सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात करेंगे तो सैनिटाइजेशन के लिए, फूड सेफ्टी के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग की एसओपीज भी बनानी पड़ेंगी, प्रोटोकॉल्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर आपके एम्प्लॉयज ट्रैवल करके आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, कहीं रेलवे से ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके लिए अलग से रेलवे बस और अपनी बाइक लेके आ रहे हैं या फोर व्हीलर लेके आ रहे हैं उसकी भी एसओपी आपको बनानी पड़ेगी, एम्प्लॉय नहीं बनाएगा, उसके माध्यम से हम एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेन कर सकते। सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पास, आर देयर एनी डिजिटल टूल्स लाइक सॉफ्टवेयर टू मेजर द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज? यस देयर आर, देयर आर, मैंने जो अभी पहले क्वेश्चन में भी बात की, देयर आर सो मेनी टूल्स, बट आप किसी भी टूल को आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा कि इसकी मदद से मेरी कंपनी में हर एक बंदे का परफॉर्मेंस कैसे मेजर हो सकता है। मेरे खुद के पास भी ऐसे टूल्स है, अगर किसी को कुछ स्पेसिफिक समझना है तो मेरा कांटेक्ट कर सकता है, अभी मैंने मेरा नंबर भी डिस्प्ले कर दिया है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रेटेजी के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आपके पास सभी चीजों के लिए डिजिटल टूल्स होने चाहिए फ्यूचर में। इनका आप नंबर नोट कर लीजिए, कोई भी कांटेक्ट हो तो आप डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
थैंक यू। अब और कोई क्वेश्चन है अपन समापन करें। ऑन बिहाफ ऑफ जीजेपीसी आई वुड लाइक टू थैंक्स टू आवर स्पीकर श्री नितिन जी दुमसिया फॉर इनलाइटनिंग अस विद द थॉट एंड एक्सपीरियंस। आई एम श्योर वी विल ऑल हैव लर्न समथिंग एंड विल बी हेल्पफुल टू यूज दीज आइडिया इन आवर बिजनेस। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेंट एंड जीजेपीसी ऑर्गेनाइजेशन सच ए वंडरफुल वेबिनार। थैंक यू। Thank you everyone. I hope everybody will stay at home. Please take care of yourself, your kids, your family members, your customers, and please help our nation to come out of this pandemic situation as soon as possible. Namaskar. Namaskar. Thank you. Thank you everybody for coming. Thank you.